दोस्तों, जब भी गोल्ड की बात की जाती है तो आपने उसके साथ एक वर्ड सुना होगा जो कि है कैरेट। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि आखिर ये कैरेट होता क्या है और कितने कैरेट की कितनी वैल्यू होती है, कौन सा कैरेट महंगा होता है और कौन सा कैरेट सस्ता। जैसे कि 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट या फिर 48 कैरेट। इसके अलावा एक और टाइप का गोल्ड आता है जिसे कहते हैं 916। इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, कैरेट एक यूनिट है जो कि गोल्ड की शुद्धता को बताता है, यानी कि आप जो भी ज्वेलरी लेने जा रहे हैं या फिर सोने के बिस्किट लेने जा रहे हैं उसमें कितने प्रतिशत गोल्ड है और कितनी उसमें मिलावट की गई है, इसको नापने के लिए कैरेट का यूज किया जाता है। दरअसल गोल्ड काफी महंगा होता है और इसके साथ साथ ये जितना ज्यादा प्योर होगा उतना ये नरम भी होगा, तो अगर इसमें कठोरता लानी है तो इसमें मिलावट करनी ही पड़ती है। इसलिए अगर आप जितनी महंगी क्वालिटी का गोल्ड लेंगे वो उतना ही आपको नरम मिलेगा, और वहीं दूसरी ओर अगर आप सस्ते में गोल्ड लेंगे तो वो आपको काफी हार्ड मिलेगा क्योंकि उसमें मिलावट काफी ज्यादा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको कोई दुकानदार 24 कैरेट से ज्यादा कैरेट का गोल्ड बताकर बेचना चाहता है तो आप उससे सावधान हो जाना, फिर चाहे वो 30 कैरेट बोले, 36 कैरेट बोले या फिर 48 कैरेट, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब सोने की प्योरिटी आपको एकदम 100% मिलती है तो उसको 24 कैरेट गोल्ड ही कहते हैं, और इस प्रकार जब 24 में 24 का भाग देकर 100 से गुणा करते हैं तो इसमें 100% गोल्ड आ जाता है। और जब आप 22 कैरेट का गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें 22/24 × 100 करना पड़ता है जिससे आपको 91.67% गोल्ड मिलता है। और इसी तरह के गोल्ड को 916 गोल्ड कहा जाता है। ये काफी महंगा होता है और साथ में इसकी ज्वेलरी भी काफी ज्यादा चमचमाती है, क्योंकि असल में 24 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी बनाना मुमकिन नहीं हो पाता है, और अगर बन भी जाए तो वो काफी नरम होता है जिससे उसके टूटने का डर बना रहता है, और इसलिए 22 कैरेट के गोल्ड को ही लिया जाता है। इसमें 91.67% गोल्ड होता है और बाकी का चांदी, पीतल, टीन ये सब मिलाया जाता है। इस तरह जो 18 कैरेट का गोल्ड आता है उसमें 75% आपको प्योर गोल्ड मिल जाता है और बाकी की उसमें मिलावट की जाती है। और इसी तरह बाकी कैरेट के गोल्ड का नाप भी आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे।